नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं मैच सॉल्यूशन, ठीक है? मैच सॉल्यूशन देख रहे हैं और आज है डेट 29 जनवरी। 29 जनवरी की करेंट अफेयर्स आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपको हमारा कंटेंट और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ठीक है? और लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है? और आज हमारा डे 3 है। चलिए तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे केरल के मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? केरल के मीडिया सम्मान से, मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमारा राइट आंसर है एन राम को दिया गया है। एन राम ने 40 वर्षों में, मतलब सोशल मीडिया में 40 वर्षों में जर्नलिस्ट के रूप में काम किया था, तो उनके इस काम के लिए उन्हें केरल के मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर बात हुई है कि केरल के मीडिया पुरस्कार, तो मीडिया पुरस्कार कौन देता है? ऐसा यहाँ पर मीडिया पुरस्कार देता है केरला मीडिया एकेडमी, ठीक है? मीडिया एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है? और तो केरला मीडिया एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 19 मार्च 1969 को, ठीक है? 1979 को, ठीक है? 1979 को, ठीक है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेड क्वार्टर है कोची में, ठीक है? कोची में, केरल में, ठीक है? कोची में, ठीक है? केरल में, ठीक है? तो केरल, केरल की बात हुई है तो केरल के सीएम कौन है? केरल के सीएम कौन है? केरल के सीएम है पिनराई विजयन। आपको डिटेल स्क्रीन पर मिल जाएगी, ठीक है? विजयन, ठीक है? और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है? मोहम्मद खान, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली बाघ थ्रू पक्षी साल का उद्घाटन किया है? पहली बाघ थ्रू पक्षी साल, बाघ थ्रू पक्षी साल क्या होती है? बाघ थ्रू पक्षी साल होती है एक, मतलब बर्ड का, मतलब एक जू टाइप का होता है। कैसा होता है? जू टाइप का, जहाँ पर, मतलब इसका, यहाँ पर आदमी लोग जा सकते हैं और पक्षियों को टच करके देख सकते हैं, छू करके देख सकते हैं, उनका व्यवहार कर सकते हैं। और देखिए, इसका, इसको इंटरएक्टिव बर्ड पार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरएक्टिव बर्ड पार्क, बर्ड पार्क भी कहा जाता है, ठीक है? इंटरएक्टिव बर्ड पार्क भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र की गोराई में स्थित है। कि कहाँ पर? महाराष्ट्र में मुंबई की गोराई में स्थित है, ठीक है? मुंबई की गोराई में स्थित है, ठीक है? कहाँ पर स्थित है? गोराई में, ठीक है? इसका उद्घाटन किसने किया है? यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे ने। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे, ठीक है? और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है? भगत सिंह कोश्यारी, आपको डिटेल स्क्रीन पर मिल जाएगी, ठीक है? भगत सिंह कोश्यारी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? इसे इंटरनेशनल कस्टम डे भी कहा जाता है। यह किसके द्वारा मनाया जाता है? यह WCO के द्वारा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? अभी हाल ही में कब मनाया गया? 26 जनवरी को मनाया गया, ठीक है? 26 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है? इसका आंसर है 26 जनवरी, ठीक है? तो देखिए, इंटरनेशनल कस्टम डे किसके द्वारा मनाया जाता है? WCO के द्वारा मनाया जाता है। WCO क्या है? WCO है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1953 में हुआ था, और ये हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है? अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिव भोजन योजना शुरू की है? ठीक है, शिव भोजन योजना शुरू किसने की है? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। और इसका किसने किया है? सीएम उद्धव ठाकरे ने। सीएम उद्धव ठाकरे, हमने अभी बताया कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं, ठीक है। अब देख, तो मतलब एक क्या है शिव भोजन योजना, क्या है शिव भोजन योजना, क्या है शिव भोजन योजना? यह है, ये है कि गरीब लोगों को 10 रुपये में पूरी भोजन की थाली मिलती है, पूरी भोजन की थाली मिलती है, ठीक है उसमें, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्मार्टफोन ब्रांड ने आईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया, किस स्मार्टफोन ब्रांड ने आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है हमारा, इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ओप्पो ने, ठीक है। तो ओप्पो ओप्पो ने इसके साथ समझौता किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आया है शब्द हैदराबाद, तो हैदराबाद किसकी राजधानी है? हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है। हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी, ठीक है, तेलंगाना की राजधानी। और तेलंगाना के सीएम कौन है? तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव हैं, ठीक है, तेलंगाना के सीएम, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं तमिल से सौंदर राजन, एक लेडी हैं सौंदर राजन, ठीक है, सौंदर राजन तमिल से सौंदर राजन, ठीक है। तो आज हमारा 5 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो अब देखते हैं हमने जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर क्या है। कल हमने आपसे पूछा था हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया था? 24 जनवरी को, ठीक है, इसका आंसर है 24 जनवरी, ठीक है। और 25 जनवरी है इसमें, तो 25 जनवरी को क्या मनाया था? हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था, ठीक है, जो 25 जनवरी को, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए, अब देखते हैं हम आपके लिए एक क्वेश्चन देंगे कल के लिए, आज के लिए मतलब कमेंट बॉक्स में करने के लिए, तो ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के FATF ग्रे लिस्ट से बाहर होने की घोषणा की है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, मैं इसका आंसर कल बताऊंगा इसी की तरह, ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में इसी 5 करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन के साथ।